मणिपुर में ताजा हिंसा में भीड़ के कुकीज़ो गांव पर हमले में एक की मौत हो गई। मणिपुर के खोइरंजक गांव में मंगलवार को ताजा हिंसा भड़कने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने सुबह करीब 10 बजे कुकीज़ो गांव पर हमला कर दिया। हमले के जवाब में गांव के स्वयं सेवकों द्वारा की गई भारी गोलीबारी में 30 वर्षीय जानगमिनलुन गंटे की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को पीटीआई भाषा को बताया कि इस बीच अलग अलग अभियानों में अलग अलग संगठनों के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया। एक पुलिस बयान के अनुसार चारों उग्रवादियों की पहचान NSCNIM और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के एक एक विद्रोही और इम्फाल पूर्व और विष्णुपुर जिलों के कांगलेइपक कम्युनिस्ट पार्टी के CP लाम्यांबा खुमान गुट के 2 ओवरग्राउंड कार्यकर्ताओं के रूप में की गई है। पढ़ना, इसमें कहा गया है कि सुरक्षा बलों द्वारा घाटी के 5 जिलों के सीमांत और संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया। 27 अगस्त रविवार को अज्ञात लोगों ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल के न्यू लांबुलानी इलाके में 3 परित्यक्त घरों को आग लगा दी। अधिकारियों ने बताया कि दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। एक अन्य घटनाक्रम में अज्ञात लोगों ने उसी दिन लगभग 2 बजे पूर्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक के राजू के आवास की सुरक्षा कर रहे सुरक्षा कर्मियों से 3 हथियार छीन लिए। 3 मई को मणिपुर में जातीय संघर्ष भड़कने के बाद से 160 से अधिक लोगों की जान चली गई और कई सैकड़ों घायल हो गए।